नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। चंद्रयान 3 सकुशल मंजिल पर पहुंच गया है, अपना काम भी शुरू कर चुका है। इसरो ने उसे 14 दिन का टास्क देकर भेजा है। अब आम आदमी के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर 14 दिन बाद ये मिशन काम करना बंद कर देगा क्या? इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की क्या भूमिका होगी? मिशन आगे कैसे बढ़ेगा? चांद के ऑर्बिट में मौजूद ऑर्बिटर क्या करेगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। प्रज्ञान रोवर अब अपने हिस्से का मिशन पूरा करने के लिए निकल पड़ा है। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें प्रज्ञान रोवर लैंडर विक्रम से निकलकर चांद की जमीन की ओर बढ़ रहा है। रोवर से चांद की जमीन कैसी दिखी, वो तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं। लैंडर विक्रम ने लैंडिंग के वक्त चंद्रमा की सतह की फोटो भी भेजी है। इसमें चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है। लैंडर का एक पैर और उसके साथ की परछाई भी दिखाई दे रही है। तस्वीर में साफ साफ देखा जा सकता है कि चंद्रयान 3 जिस जगह पर लैंड हुआ वो जगह समतल है। कैसे काम करेगा रोवर? 6 पहियों और 26 किलो वजनी रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर घूम रहा है। प्रज्ञान ने सबसे पहले सोलर पैनल खोले। सूर्य की रोशनी से ही रोवर चार्ज हो रहा है। प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। चांद की जमीन को रोवर स्कैन कर रहा है। प्रज्ञान लगभग 14 दिनों में करीब 500 मीटर की दूरी तय करेगा। विक्रम लैंडर भी चांद के वातावरण का डाटा जमा करेगा। लैंडर प्रोपल्सन मॉड्यूल के जरिए इसरो के डाटा सेंटर से जुड़ गया है। लैंडिंग के बाद लैंडर ने चंद्रमा की पहली तस्वीर भी भेजी है। वहीं प्रज्ञान रोवर लैंडर विक्रम से बाहर आकर चंद्रमा की जमीन पर पहुंच गया है। ये चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज भी करेगा। दूसरा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। ये एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा। मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहा की खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर करेगा। विक्रम के पेलोड्स क्या करेंगे? पहला पेलोड रंभा चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों की जांच करेगा। दूसरे पेलोड चास्टे का काम चांद की सतह पर तापमान की जांच करना है। तीसरा पेलोड इल्सा लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। चौथा पेलोड LRA चांद के डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करेगा। चांद पर हमें क्या मिलेगा? चांद की सतह पर पानी की खोज सबसे बड़ा काम है। चांद पर यूरेनियम, गोल्ड या दुर्लभ धातु मिल सकती है। हीलियम 3 होने की भी संभावना है, इससे न्यूक्लियर ईंधन बन सकता है। चंद्रयान 3 मिशन का सबसे महत्वपूर्ण काम अब शुरू हुआ है। इस मिशन में रोवर और लैंडर का सबसे बड़ा काम है चंद्रमा पर पानी की खोज को आगे बढ़ाना। इसके संकेत 2008 में चंद्रयान 1 के दौरान भारत के जरिए पूरी दुनिया को मिले थे। अगर ये खोज सफल रही तो चांद पर मानव बस्ती बसाने का सपना पूरा होने के आसार बन जाएंगे। साथ ही चांद को सुदूर अंतरिक्ष अभियानों के लिए फ्यूल स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल करने की राह भी खुल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यूपी के हरदोई का एक कस्बा शाहबाद, जहां एक शख्स ने अपनी जरूरत को जिद में बदल दिया। इसके बाद जो उसने किया वो आपको हैरान कर देगा। हैरान रह जाएंगे, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और फिर याद आएंगे दशरथ मांझी। फर्क इतना कि वहां नहर थी, यहां घर है। हरदोई के इस शख्स ने जमीन के अंदर 2 मंजिला और 11 कमरों का आशियाना तैयार कर दिया। हरदोई के इस शख्स ने अपने हाथों से मिट्टी को काट काट कर लगभग 12 वर्षों में ये घर तैयार किया है और अभी भी काम जारी है। हरदोई के इरफान उर्फ पप्पू बाबा ने अपनी जरूरत को जिद में बदल कर ये कारनामा किया है। यह आशियाना छोटा मोटा नहीं है, 11 कमरों के साथ साथ इबादत के लिए एक मस्जिद और कई सीढ़ियां भी बनी है। गैलरी और बैठक भी बनाई गई है। इसकी शुरुआत उन्होंने 2011 में की थी और अभी भी काम जारी है।
कुछ नहीं, कुल मिला के मैं एक बात मानता हूँ कि सबसे पहले हर इंसान को मकान की जरूरत है। सबसे पहले तो ये माने कि मैंने एक अपना मकान बनाया जहाँ पर मैं बैठ सकूँ और अपने मेहमान मेरे बैठ सकें। उसके अलावा मेरे मन में कुछ ख्याल फकीरी का था, तो उस लिहाज से मैंने इसको बनाया और इसी में मैंने अपना एक आशियाना कहें, आस्थाना कहें या स्थान कहें, वो बनाया और इसी में एक मैंने मस्जिद का एक नक्शा मस्जिद भी बनाई है। बाकी ये मेरे बाप दादे की जमीन थी, पुरानी बेकार ही समझ ले पड़ी हुई थी, तो आगे मैंने खेत की एक जगह बनाई है और उसी में मैंने ये अपना नीचे से दो मंजिल मकान बनाया है। ये चूंकि एक मिट्टी का काफी ऊंचा टीला है, उसके अंदर आपने ये कितने मंजिला बना रखा है और कितने कमरे हैं इसमें? कमरे कहें या छोटे छोटे स्टोर के, हाँ लगभग 11-12 हैं, मस्जिद को छोड़ के 11-10-11 हैं। बाकी कब से बनाना स्टार्ट किया था? 2011 से तैयारी करी थी और अभी भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बनाते रहते हैं। अच्छा, बाकी जो जरूरत की चीजें हैं जैसे खाना पानी, ये व्यवस्थाएं कैसे होती? खाना पानी बाकी तो परिवार है, माँ है, भाई बहन है, शादी नहीं करे, पापा का इंतकाल हो गया, घर पे खाना भी खा लेते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो बाबा से पूछते हैं कि बाबा आप क्या खर्चा करते हो, क्या खाते हो, तो अपने नजराने में उन्हें जो भी 10-20-50 दे दिए तो वो मैं खुशी समझता हूँ। इरफान उर्फ पप्पू बाबा अपना पूरा समय इसी गुफा के अंदर बने आशियाने में बिताते हैं। साल 2010 में पिता के निधन के बाद इन्होंने चुनाव भी लड़ा, हार गए, घर परिवार है लेकिन फकीर बन गए। बस्ती छोड़कर मिट्टी के टीले के अंदर गुफा बनाने में जुट गए और खड़ा कर दिया एक आशियाना। देखिए, कुछ हर इंसान चाहता है कुछ अलग हो और हमारी भी कुछ शुरू से सोच रही, लेकिन मैं नहीं कामयाब हुआ। अल्लाह चाहता था कि जब मेरे रास्ते आओगे तो मैं कुछ दूंगा ऐसा जो काबिल तारीफ होगा। मैं तो मानता हूं कि उसकी देन है, मेरी कोई ताकत नहीं, और क्या है ये वक्त पे मालूम होगा। किस तरह से आपने बनाया? 2011 में शुरू किया था आपने ये बनाना और अभी तक आप बना रहे हैं, कैसे? क्या मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं या कैसे? फलवा खुरपी कस्सी बचता। अच्छा, नक्काशी भी आपने इसमें तैयार कर रखी। ये मतलब जिस तरह से आपने बनाया, ये एक महल टाइप का है, तो कहाँ से ये चीजें, कहाँ से आपको सीखने को मिली या कैसे आपने बनाई? मैंने किसी से नहीं सीखा, जो मेरे दिल में आया वो मैंने। कैसे एक जरूरत जिद बनी और जिद जुनून में तब्दील हो गई। 12 साल की मेहनत और एक पूरा का पूरा दो मंजिला आशियाना तैयार हो गया। जब लोग इसे अंदर से देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। हरदोई से न्यूज 18 के लिए आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। चुनावों का सीजन, बारिश का मौसम, ऐसे में अगर स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर हों तो डेंगू और डायरिया से निपटेगा कौन? इसी सवाल से जूझ रहे हैं छत्तीसगढ़ के कई इलाके। तीन तस्वीरों को देख लीजिए, मुसीबत यही है, चौथी तस्वीर खुद ब खुद समझ आ जाएगी, यानी मुसीबत पर सियासत की। पहले बीमारी का डर और हड़ताल सर पर, समझ लीजिए बरसात के मौसम में बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। बिलासपुर जहां डायरिया के चपेट में है, वहीं दुर्ग में डेंगू का कहर जारी है और इन सब के बीच अस्पतालों में भर्ती मरीजों और अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की मुश्किलें हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बढ़ा दी है। बिलासपुर के घुटकू में एक साथ डायरिया के 22 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। चाटीडीह, मस्तूरी, बिल्हा के बाद घुटकू में डायरिया के 22 मरीज मिले हैं। सभी का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। शहर में नालियों के बीच से गुजर रही पाइपलाइन से पानियां बढ़ गई।
अब मुसीबत का दूसरा पहलू ये है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल सियासत के लिए मुद्दा है। कांग्रेस के जिम्मेदार भले ही बढ़ती बीमारियों पर कुछ ना बोले, लेकिन बीजेपी का कार्यकाल जरूर गिना देते हैं। इधर बीजेपी का कहना है कि सरकार के पास तो स्वास्थ्य कर्मचारियों से बात करने का समय नहीं है। बीजेपी वादा खिलाफी का राग भी अलाप रही है। डेंगू के कहर को झेल रहा है, डायरिया का प्रकोप भी बहुत ज्यादा है और इलाज के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण 40,000 स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल भी है। हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर अपना पक्ष अपने आकाओं के पास रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं, लेकिन ये 40,000 स्वास्थ्य कर्मचारी जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे मिलने का समय, उनकी पीड़ा को सुनने का समय, उनकी मांगे पूरी करने का समय माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के पास नहीं। दुर्ग भिलाई देख चुके हैं कि छोटी बीमारी को नजरअंदाज करना कितना घातक है। चार साल पहले 50 से ज्यादा लोगों की बलि ले चुका है डेंगू। रायपुर में एक की जान जा चुकी है। डायरिया का कहर लगातार जारी है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी जिद पर अड़े हैं और जिम्मेदार बयानबाजी में पड़े हैं। लिहाजा आपकी जान आपकी जिम्मेदारी है, सावधान रहें और किसी बीमारी को हल्के में ना लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन वोटिंग अभी से होने लगी है। चौंकिए मत, दरअसल बीजेपी के विधायक संजय पाठक अपने इलाके में जनादेश नाम से अपने संसाधनों से मतदान करवा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि अगर उन्हें 50% से कम वोट मिले तो वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। रिपोर्ट देखें। इसमें भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन विजय राघवगढ़ में आज मतगणना होनी है। शायद आप इस बात को सुनकर चौंक जाए, लेकिन जी हाँ, बिल्कुल, जो विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक, उनके द्वारा आज जो जनमत संग्रहण कराया गया था, उसकी आज मतगणना होनी है। उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान किया था कि यदि जो उनके क्षेत्र की जनता है वो चाहेगी, तभी उनको वो विधायक का टिकट लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। मध्य प्रदेश के सबसे रईस विधायकों में से एक संजय पाठक एक बार फिर से चर्चा में हैं। चुनाव के पूर्व ही अपने क्षेत्र में जनादेश के नाम पर मतदान करवा रहे हैं। चुनाव की तर्ज पर हो रहे इस मतदान के लिए विधायक संजय पाठक ने बाहर से बड़ी संख्या में टीम बुलवाई है, जिन्हें 10 जोन और 25 सेक्टर में बांटा गया है। घर घर उनके समर्थक मतदाता पेटी लेकर पहुँच रहे हैं और उनसे मतों के आधार पर पर्ची डलवाने का काम कर रहे हैं। वोटिंग के लिए उन्होंने अपने क्षेत्र में 280 मतदान केंद्र भी बनवाए हैं। वोटिंग 21 अगस्त से शुरू हुई। तो मैंने सोचा इस बार चुनाव के पहले मैं अपने आप का तो मूल्यांकन करूं कि मैं फिर से विधायक बनने के योग्य हूं कि नहीं, लोग क्या सोचते हैं मेरे विषय में, जिस परिवार की मैं इतने सालों से सेवा कर रहा हूं विजयवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की, इस परिवार के लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं, क्या वो चाहते हैं कि मैं फिर से उनका प्रधान सेवक बनूं, विधायक बनकर उनकी सेवा करूं या नहीं, या मैंने जो इतने साल जीवन में सेवा की है तो ये इसका क्या मुझे वो मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है। बीजेपी विधायक संजय पाठक ने प्रण लिया है कि जनमत संग्रह के जो नतीजे आएंगे उसके बाद चुनाव लड़ने का फैसला करूंगा। संजय पाठक ने कहा है कि अगर उन्हें 50% से ज्यादा मत मिलेंगे तभी वो चुनाव मैदान में उतरेंगे, अगर 50% वोट नहीं मिले तो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। देखिए भाई साहब, मेरी वोट का गणित मत गड़बड़ाइए, मैंने 51 नहीं बोला था, मैंने बोला था 50% से अगर एक वोट कम मिलेगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब इतने साल सेवा करने के बाद, इतने साल विकास करने के बाद, घर घर तक लोगों के दुख दूर करने के बाद, अगर मैंने 50% भी परिजन का अगर विश्वास अर्जित नहीं किया तो मैं नहीं समझता कि मैं इस पद की योग्य। वोटिंग के लिए विधायक संजय पाठक ने एक मतदाता पर्ची रखी है। इसमें लिखा है कि क्या आप अपने प्रधान सेवक संजय पाठक को अपना विधायक बनाना चाहते हैं। उसके बाद हाँ और ना का विकल्प दिया गया है। वोटर अपनी पसंद पर निशान लगा सकेंगे और मतदान पेटी में डाल सकेंगे। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि बीजेपी आलाकमान ने तय किया था कि विधानसभा चुनाव में 100 से ज्यादा सीटों पर वो नए चेहरे उतारेगी। ऐसे में बीजेपी के कई कद्दावर विधायकों के माथे पर बल पड़ गए थे। विरोधी इसे महज चुनावी स्टंट करार दे रहे हैं। उनका तर्क है कि जो कुछ भी हो रहा है बीजेपी विधायक की देखरेख में हो रहा है, ऐसा जनमत संग्रह विश्वसनीय नहीं माना जा सकता।
जन आकांक्षाएं लेकर संजय पाठक का साफ तौर पर यह कहना है कि वो ये चाहते हैं कि प्रदेश की जो इस इलाके की जनता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 51% यदि मत उन्हें मिलेंगे तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो नहीं चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखना होगा कि जब ये जनमत संग्रह का नतीजे आते हैं तो किसके पक्ष में आएंगे। कैमरामैन मनीष सागर के साथ सैलेंस सिंह, न्यूज 18 कटनी। तो नक्सली समर्पण पुनर्वास नीति जारी करने के आदेश जारी हुए हैं। मध्य प्रदेश में गृह विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। शिवराज कैबिनेट के बाद गृह विभाग ने भी इसके आदेश जारी कर दिए। मध्य प्रदेश नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास राहत नीति के आदेश जारी हुए हैं। 26 साल पहले लागू हुई नीति में बदलाव कर सरकार ने आदेश जारी किए हैं। इसके नई नीति में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश शामिल है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को सरकार खास राहत देगी। हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने पर भी राशि मिलेगी। वहीं पीएम मोदी ब्रिक्स समिट के बाद ग्रीस पहुंचे हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। एथेंस में ढोल नगाड़ों के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया गया। 40 सालों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस का दौरा कर रहा है। ग्रीस के प्रधानमंत्री कियाकोस ने न्योता दिया था और उनके विशेष न्योते पर पीएम मोदी वहां पहुंचे हैं। ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज ने एथेंस एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान अज्ञात सैनिक की कब्र पर पहुंचे और उन्होंने वहां पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। छतरपुर के कलाकार राजेश खरे ने चंद्रयान 3 की सफलता पर पीएम मोदी की चंद्रमा पर तस्वीर बनाते हुए पूरे भारत को बधाई दी है। अपनी पेंटिंग के जरिए राजेश खरे ने जहां भारत की उपलब्धि को देश और दुनिया के सामने रखा है, वहीं भारत को विश्व गुरु के रूप में भी दिखाया है। राजेश खरे पीएम मोदी और चंद्रयान की तस्वीर प्रधानमंत्री को भेंट करना चाहते हैं, उन्होंने ये बात कही। जितने भी वैज्ञानिक हैं उनको बधाई देना चाहते हैं। हम इस चित्र में उनको दर्शा तो नहीं पाए हैं लेकिन उनका बहुत बड़ा देश के लिए योगदान है, इसलिए हम वो बधाई के पात्र हैं। और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो विदेश की यात्रा के होने के बावजूद भी अपने इस मिशन के ऊपर निगाह रखे हुए थे और उन्होंने बधाइयाँ दी, ये सब है। और पृथ्वी जो बनाई हुई है उसमें हमने नरेंद्र मोदी जी को दर्शाया है कि उनका जो निगाह है वो चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है और उनको हमने भारत माता के तिलक से तिलक भी लगाया है भारत के नक्शे से, कि मतलब उनके दिमाग में ये सब चीज़ें थी पहले से। कुछ नहीं, हमारा तो ये सौभाग्य होगा कि हमारे हाथों द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जी को ये चित्र हम भेंट कर पाएँ और हम इसी आशा के साथ हमने ये चित्र बनाया है। 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश पर हैं, हड़ताल पर हैं। 39 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी उनका आंदोलन है। 4 साल बाद प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन देखने को मिल रहा है। तो 3,30,000 कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश पर, सामूहिक हड़ताल पर हैं। 39 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी उनका आंदोलन। 4 साल बाद प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का ये आंदोलन हो रहा है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 39 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी उनका ये आंदोलन। चुनावी साल में उनकी कोशिश है कि उनकी मांगों को माना जाए, उनकी मांगों पर सरकार ध्यान दे। तो उसी के साथ ही अढ़ाई का अड्डा मफला इतना ही। नमस्कार।